वेलकम टू द लक्ष्य बैच वेलकम टू देशन एंड लेट्स कंटिन्यू विद टाइम एंड वर्क सो हियर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन गुड इवनिंग गाइज चलो सो गाइज ये मैन वुमेन चिल्ड्रन वाले प्रॉब्लम हमने कल नहीं किए थे तो आज पहले वो करेंगे देन विल प्रोसीड विथ फाइव एंसिस्टेंट्स <clears throat> hi, hi guys. Uh, yes, someone is asking about mock test. So I'll tell you about uh, an upcoming test which has been designed by me, so you can assess your preparation. But before that, uh, why don't you answer this question? Yes, hi Lakshman, hi Shubham, Vartika, everyone else. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस यस सो गाइस ट्वेंटी मेन और थर्टी वुमेन और 40 चिल्ड्रेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय वन मैन एंड वन वुमेन बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों जल्दी से टाइप करो आंसर चैट बॉक्स में और साथ में पहले लाइक कर दो जल्दी से जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो सो <coughs> गाइस so यहां पे हम कह सकते हैं कि ट्वेंटी मैन डू एज मच वर्क एज थर्टी वुमेन इन फिफ्टीन डेज ट्वेंटी मैन कैन डू एज मच वर्क एजी वुमेन आई कैन सेन से टू मैन आर एज गुड एज थ्री वुमेन सो वॉट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई मैन एंड वुमेन इट विल बी थ्री बाई टू मतलब मैन अगर थ्री यूनिट वर्क करता है एक दिन में तो वुमेन कितना करती होगी टू यूनिट वर्क करती होगी राइट right, तो आंसर बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों क्या ये सबको समझ में आ रहा है ये और का मतलब समझो वॉट इज इट मीन और मतलब वर्क वर्क यू नो एंड द सेम इज इवन वुमेन करो या थर्टी वुमेन को डिप्लॉय करो वर्क डन विल बी सेम ठीक है तो guys, Can you please try for this question? Everyone, please try for this question now. Of... <clears throat> huh, guys, uh, I couldn't see the comments for last two days. I couldn't see the comments.

गाइस huh? ये क्या लिख रहे हो टू इज टू थ्री आर श्योर टू इज टू थ्री हम्म हम्म ओके चलो गाइस ट्वेंटी मैन इज इक्वेल एन टू फोर्टी चिल्ड्रेन ट्वेंटी मैन इज इक्वेल एन टू फोर्टी चिल्ड्रेन तो कह रहे थे वन मैन इज इक्वल टू फोर चिल्ड्रेन वन मैन इज इक्वल टू फोर चिल्ड्रेन

दो मैन जितना काम करेंगे उतना आठ चिल्ड्रेन काम करेंगे सो टू मैन आर इक्वल एन टू एट चिल्ड्रन एंड सिक्स हमने एज इट इज रखा तो वर्क कितना होगा? Eight is to six होगा कि नहीं? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों अरे ये आप लोग क्या लिख रहे हो टू इज टू वन वन इज टू टू क्या लिख रहे हो गाइस <laughs> आंसर इज फोर इज टू थ्री एवरी वन आंसर इज फोर इज टू थ्री दो वाई एवरी वन इज गोइंग रॉन्ग चलो फिर से समझाता हूं फिर से समझाता हूं दोस्तों सपोज द वर्क द वर्क इज इक्वल टू 40 यूनिट्स ठीक है द वर्क इज इक्वल टू 40 यूनिट्स फॉरगेट अबाउट दिस 15 डेज क्योंकि ये 15 डेज तो कॉमन रहने वाला है 15 डेज इज डेफिनेटली कांस्टेंट ओ सॉरी सॉरी गाइस यस हाँ हाँ टू मैन आर इक्वल टू फोर चिल्ड्रेन सो वन मैन इज इक्वल टू टू चिल्ड्रेन सो यहां पे हम लिख सकते हैं फोर चिल्ड्रेन एंड यहां पे हम लिख सकते सिक्स सो इट करेक्ट टू इज टू थ्री ये समझ में आया दोस्तों हमें ये रेशियो निकालना नाउ इट्स करेक्ट ओ ओ दैट इज माई मिस्टेक करेक्ट 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 आई हैड रिटर्न वन मैन इक्वल टू फोर चिल्ड्रेन विच वॉज इन करेक्ट चलो ट्राई फॉर एवरी वन लास्ट क्वेश्चन कैसे गलत दे सकते हैं बट इट वॉज मी हुई इन करेक्टली तो हो गया चलो आगे बढ़ते हैं. Yes. So guys, uh, अच्छा मैं प्लीज़ एवरी वन टू हिट द लाइक बटन फर्स्ट ऑल दो लाइव राइट नाउ और इवन इफ यू आर वॉचिंग आफ्टर वर्ड्स मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द लाइक बटन राइट अवे अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करो बिफोर प्रोसीडिंग फरद एवरी वन राइट हाउ मेनी डेज टेक फॉर एट मैन ट्वेल्व वुमेन एंड फाइव चिल्ड्रन टू कंप्लीट द वर्क टूगेदर गाइज अब आपको ये डेटा पूरा यूज करना है तो ये आंसर क्या आएगा चलो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर एट मैन ट्वेल्व वुमेन एंड फाइव चिल्ड्रेन टू कंप्लीट द वर्क टूगेदर ऑन गाइज कम ऑन एक्टली exactly, बोईते सागर ने सही बताया एक तो मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सही में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो <laughs> गाइस क्या आंसर आएगा हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर एट मैन ट्वेल्व वुमन एंड फाइव चिल्ड्रेन टू कंप्लीट द वर्क ठीक है न गाइस सी वी नो वन मैन

ठीक है वी हैव टोटल थर्टी सेवन आई से राइट यहां पे अगर आपके फोर्टी चिल्ड्रन होते हैं तो डेज कितने लगते हैं फिफ्टीन लगते हैं तो थर्टी सेवन चिल्ड्रन हो गए तो डेज कितने हो गए तो, right? तो कैन आई से दिस हैजिकम थर्टी सेवन बाई फोर्टी राइट तो गाइज इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 40 बाई थर्टी से मल्टीप्लाई करोगे सो so, इट विल बी 600 हंड्रेड बाई थर्टी डेज से बड़ा आंसर आएगा ये हमें पता है. है, ठीक अगर इसको exactly हम करने जाते हैं तो ये आ जाएगा सिक्सटीन पॉइंट टू वन डेज भी लिख सकते हो 16.21 टू वन डेज भी लिख सकते हो अब ये ऑल क्लियर अब यही कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए दोस्तों देखो मैं फिर से बता देता हूं जिसको नहीं आया समझ लो दो मैन चार चिल्ड्रन के बराबर है तो आठ मैन सोलह चिल्ड्रन के बराबर हो गए सिमिलरली थ्री वुमेनवल फोर चिल्ड्रेन थ्री टू फोर चिल्ड्रन तो वुमेन विल बी इक्वल टू सिक्सटीन चिल्ड्रन होगा कि नहीं तो मैंने यहां वुमेन को सिक्सटीन चिल्ड्रन से रिप्लेस कर दिया और फाइव एज इट इज तो टोटल हमारे पास कितने चिल्ड्रन है थर्टी सेवन चिल्ड्रेन है चिल्ड्रेन कम होते हैं फोर्टी चिल्ड्रन को 15 लगते हैं, तो 37 को कितने लगेंगे? ये हमें करना था, ठीक है? So, जल्दी से एक बार thumbs up दिखा दो, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ दोस्तों जल्दी से लाइक कर लो अभी तक लाइक नहीं बटन दबे सफिश फ्यूल नहीं है, सेशन आगे नहीं बढ़ सकता तो सबको लाइक दबाना पड़ेगा पहले तो कमॉन <coughs> चलो यस मिस्टर मारियो व्हाट यू हैव मेंशन आई डू हंड्रेड परसेंट अग्री द ओनली चैनल वेल यू यू विल फाइंड कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट फॉर कैट प्रिपरेशन बाकी सब लोग आपको ज्ञान बड़ा सारा देंगे ठीक है रात को टाइम मिली तो ज्ञान देने आ जाएंगे महीने में कैसे कैट निकालो साढ़े तीन महीने में कैसे निकालो तीन महीने में कैसे निकालो बट कराएंगे कुछ नहीं ठीक है चलो एनी वेज <laughs> तो ये वीडियो को लाइक करते रहना चैनल सो दिस कनेक्टेड विथ मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स राइट मतलब कभी कभी मुझे इतनी हंसी आती है ना यार चार महीने बचे नहीं वापस वही थीम लेके आ जाएंगे साढ़े तीन महीने तो वापस लेके आ जाएंगे दो तीन महीने तो भी लेके आ जाएंगे मतलब कोई बोर नहीं होता है क्या यार मतलब हर पंद्रह दिन पे तुम कैसे स्ट्रेटेजी वीडियो बना सकते हो है ना उसका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों बट ठीक है अभी चलो <laughs> आज शाम को आठ बजे का सेशन अटेंड मत करना ठीक है, Guys, फिर आज के आठ बजे के सेशन के बाद अभी हमारा नेक्स्ट सेशन है शायद डायरेक्टली नेक्स्ट वीक होगा ठीक है तो जरा चेक कर लेना मैं शेड्यूल ग्रुप पे पोस्ट करूंगा मतलब एलआरडीए का सेशन छह बजे वाला सेशन तो एज इट इज रहेगा आठ बजे वाला सेशन थोड़ा आगे चले जाएगा माधव इज आस्किंग सर कौन है ये लोग ठीक है ये लोगों को क्या कहते हैं आप बिल्ली बिल्ली कुछ राजा वाजा ऐसे कुछ कहते हैं एनीवेज <laughs> चलो दोस्तों सो बट देन लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन प्लस और आइकनिक दिस इज द राइट टाइम बिकॉज यू आर गेटिंग ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट वेन यू यूज दिस कोड शाह ठीक है राइट right.

अरे नहीं गाइज आई एम नॉट मैंशनिंग एनी नेम देखो ये सब आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो ठीक है मैं किसी को कुछ कहने में बिलीव नहीं करता ना मैं किसी का नाम यहां पे बोल रहा हूं ठीक है राइट yes pranav how to prepare for cat in 24 hours matlab main to seriously bata raha hu how to prepare for cat without any preparation how to prepare for cat without any preparation matlab main to ye video bana deta hu and i i can tell you मतलब तो भी कम से कम 100-200 लोग तो आ जाएंगे दिल दिल रियली एक्सपेक्ट क्या सही में ऐसा होता होगा रोहित शर्मा इज आस्किंग येस शर्मा जी आज एल की क्लास है ना बिल्कुल है चलो दोस्तों तो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन क्या आएगा इसका आंसर लकी सेइंग ऑप्शन ए 15 मैन और गाइस ये और वर्ड का ध्यान रखना प्लीज बी केयरफुल विद दिस और वर्ड 24 फोर वुमेन और 36 सिक्स बॉयज इसका मतलब यह हो गया कि 15 मैन आर एज गुड एज गुड फोर वुमेन सिक्स कैन कंप्लीट अ अ पीस ऑफ वर्किंग डेज डे देन हाउ मस्ट बी रिक्वायर्ड टू वर्क विद ट्वेल्व वुमेन एंड सिक्स बॉयज टू कंप्लीट अनदर पीस ऑफ वर्क विच इज टू ट्वेंटी वर्क इन थर्टी डेज बाई वर्किंग सिक्स आवर्स अ डे मतलब ये क्या क्रेजी क्वेश्चन है ठीक है हाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों हाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बट हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे ठीक है राइट right. <coughs> क्या आंसर आएगा दोस्तों जी दैट्स करेक्ट 500 हंड्रेड is इज अ थॉटफुल सजेशन काफी लोग कहते हैं 500 to टू एट आवर्स अब वो डिपेंड करता है individual टू individual डिपेंड करता है मतलब 500 to टू एट आवर्स आपको लग सकते हैं ठीक है ना इट it, इट it individual फ्रॉम individual. टू that's एंड आई बिलीव इज करेक्ट जैसे आप हर रोज चार घंटे एफर्ट डालते हो 30 डेज के लिए तो 120 ट्वेंटी आवर्स तो अबाउट फोर मंथ्स में आप कर सकते हो बट इफ यू आर वीक एट से मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स यू मे रिक्वायर मोर टाइम तो वो तो बराबर है ठीक है चलो गाइस लगा के करेंगे बट इसका क्या करेंगे तो देखो ये क्वेश्चन को हम सिंपल सिंपल <coughs> बना देते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन को सिंपल बना देते हैं फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट ये पार्ट अभी भूल जाओ जस्ट इतना सोचो आपको बताया है फिफ्टीन मैन न कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वर्किंग एट आवर्स पर डे ठीक है वर्क में यहां पर ले man ये, ये भूल जाओ टू कंप्लीट अनदर पीस ऑफ वर्क विच इज टू पॉइंट टू फाइव टाइम्स तो ये एक्स ले लेते हैं वर्क हमारा टू पॉइंट टू फाइव यूनिट हो गया ये वन यूनिट था तो ये 2.25 यूनिट हो गया ठीक है इन 30 डेज डेज 30 है वर्किंग 6 आवर्स पर डे क्या ये समझ में आया अगर मैं वो दो पार्ट को हटा देता हूं दोस्तों मेरा क्वेश्चन इतना हो गया जो मैंने ब्लू कलर और येलो कलर से स्क्रैप कर दिया अगर वो ना देखे हम तो हमारा क्वेश्चन इतना है और इसमें तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 एच टू अपन डब्ल्यू टू ये फॉर्मुले से कर सकते हैं तो गाइज मुझे बताओगे अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू कितना आएगा चलो जल्दी से x का वैल्यू कितना आएगा अगर हमने ऐसे सॉल्व किया ये फॉर्मुले में वैल्यूज डालो n मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आएगा पुट द वैल्यूज इन द कम ऑन जल्दी से वॉट विल यू द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व करो ये आपको सॉल्व करना है मैं ये तकल्लुफ नहीं लेने वाला ठीक है करेक्ट x एक्स कितना आएगा एटीन आएगा दोस्तों डू ऑल अग्री हाँ देखो ये प्रणव भटनागर मतलब फूडी के पर्सपेक्टिव से टाइम एंड वर्क राइट करेक्ट गाइज अब देखो आपका क्वेश्चन कितना आसान है अब हम इससे पर्दा हटा देते हैं और अब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या बताया है दोस्तों अभी सुनो ध्यान से हमें बताया है कि 15 आर इक्वल टू 24 वुमेन आर इक्वल थर्टी सिक्स बॉयज ऐसा बताया है राइट right? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फाइव मैन आर इक्वल टू एट वुमेन इक्वल टू ट्वेल्व बॉयज ऐसे भी लिख सकता हूं मैं जैसे लिखना चाहो वन एंड सेम थिंग राइट ओके दोस्तों अभी हमें क्या कहा है कि देर आर ट्वेल्व वुमेन देर आर ट्वेल्व वुमेन ठीक है एंड बॉयज बॉयज राइट ट्वेल्व वुमेन आर इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव मैन सेवन पॉइंट फाइव मैन लिख सकते हैं एंड सिक्स बॉयज आर इक्वल टू फिफ्टीन बाई सिक्स मैन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 1/6 कर दिया 36 का 1/6 6 होता है तो 15 का 1/6 क्या होगा 15/6 तो वो कितना आ गया 2.5 तो टोटल हमारे पास अभी कितने मैन अवेलेबल है कहने से 10 मैन हो गए तो हमें और कितने मैन लगेंगे 8 मैन लगेंगे कि नहीं वी विल नीड 8 मोर मैन दैट्स योर आंसर डन आपका आंसर आएगा 8 मैन और लगेंगे क्यों क्योंकि ये जो वुमेन है और चिल्ड्रन है वो आपके 10 मैन के बराबर है जबकि अभी हमने देखा कि हमें टोटल अट्ठारह मैन चाहिए तो हमें 18 करने के लिए 8 मैन को जोड़ना पड़ेगा अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो या ऐसे क्वेश्चन टैकल कर लेते हो गाइस बी रेस्ट श्योर यू विल श्योरली गेट 90 नाइन्टी परसेंटाइल मैं 99, 95 नहीं कह रहा हूं 90 अबव आएगा अगर ये क्वेश्चन आप आसानी से अपने से टैकल कर लेते हो विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक्स ठीक है आप अगर ये कर लेते हो ट्रस्ट मी आप आराम से नाइनटी परसेंटाइल के ऊपर जा सकते हो क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग एंड कैलकुलेशन एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट दैट पर्सन ठीक है चलो राइट ओके दोस्तों सो लेट्स बिगिन विथ पाइप्स एंड सिस्टम ठीक है गाइस बाय द वे ये टैंक है एक मतलब ये कुछ फनी सा दिखेगा बट ये टैंक है और ये पाइप्स है दिस इज पाइप ए एंड दिस इज पाइप बी कुछ अलग चीज मत समझ लेना इसको थोड़ा फनी दिखता है ठीक है राइट right.

सो so गाइज ये आपका पाइप है जो टैंक को एम करता है ये थ्री आवर्स में भरता है ये फोर में एम करता है तो दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे तो बहुत आसान है कि इन इन पाइप ए विल फिल ऑफ द टैंक पाइप बी विल एम टी वन फोर्थ ऑफ द टैंक एम कर रहा है तो माइनस कर दो तो इफेक्टिवली क्या होगा वन ट्वेल्थ ऑफ द टैंक भरेगा वन थर्ड माइनस वन फोर्थ वन ट्वेल्थ ऑफ द टैंक भरेगा घंटे में तो पूरे टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा ट्वेल्व आवर्स लगेगा कि नहीं दोस्तों इट विल टेक आवर्स ये तो बहुत ही आसान था तो आप सीधा कर सकते हो बट कइज वॉट इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन का यहां पे आंसर क्या आएगा प्लीज टेल मी आंसर फॉर दिस चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस हाँ अभिषेक सही लिखा है तुमने <laughs> कुछ ऐसे ही समझ लो करेक्ट सुमित ने सही आंसर दिया है दोस्तों इट विल बी करेक्ट ट्वेंटी एट आवर्स और यू कैन से वन पी एम सी आपको राइट right, आपको पूछा है देन एट व्हाट टाइम तो आप कहोगे वन पी एम नेक्स्ट डे समझ में आ रहा है 1 P.M. नेक्स्ट डे होगा ये राइट right. कैसे करेंगे दोस्तों so पे आप ऐसे भी कर सकते हो एन आउटलेट एन इनलेट पाइप एन आउटलेट पाइप इन इज यू कैन अज्यूम द कैपेसिटी ऑफ यू कैन इट ऑफ थर्टी लीटर्स तो ये पर आर क्या करेगी टू लीटर पर आवर खाली कर रही है और ये थ्री लीटर पर आर भर रही है ठीक है अब टाइमलाइन बना दो 9 बजे टैंक में जीरो लीटर पानी था 9 से 10 बजे एक घंटे के लिए पाइप ए ओपन रहा तो तीन लीटर पानी आ जाएगा ठीक है फिर आगे आपको और कितना डालना है 27 लीटर पानी डालना है और अब पाइप ए एंड बी दोनों ओपन है तो कहना से एक घंटे में एक लीटर पानी अंदर आएगा क्योंकि थ्री लीटर माइनस टू लीटर तो एक लीटर हर घंटे आएगा तो 27 लीटर के लिए 27 आवर्स का टाइम लगेगा गाइस 10 बजने के बाद 27 आवर्स कैसे करेंगे तो सुबह 10 बजे ये एम है बाय द वे दिस आर एम, तो कैन आई से नेक्स्ट डे 10 एम इज 24 आवर्स तो नेक्स्ट डे 1 पीएम 1 पीएम नेक्स्ट डे ये हो जाएगा सो दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर अभी क्लियर दोस्तों Chalo. So let's look at some questions. Please try for this question, everyone. Come on, hit the chat box with your answer. हेल्पफुल मनीष तुम्हें क्या हो गया वीडियो क्वालिटी इज हाजी क्या हो गया इज दर एनी इश्यू विदीडियोलिटी मिनट्स डू ऑल अग्री आंसर विल बी एटी बाई इलेवन मिनट्स अब कैसे आएगा ये लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड सो टू पाइप कैन फिल अवेंटी मिनट टेन मिनट्स रिस्पेक्टिवली ट्वेंटी मिनट्स एंड टेन मिनट्स रिस्पेक्टिवली थर्ड पाइप कैन एमटी इट इन ट्वेंटी फाइव मिनट्स ठीक है तो गाइज आप यहाँ पे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो या फिर आप कैपेसिटी अज्यूम करके भी कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आई कैन दैसिटी ऑफ दंड्रेड लीटर्स यहां पर हंड्रेड लीटर कैपेसिटी एज्यूम कर सकता हूं तो ये फाइव लीटर पर आर भरेगा ये टेन लीटर पर आर भरेगा और ये चार लीटर पर आर खाली करेगा तो खाली करेगा तो माइनस में ले लो करेक्ट यस, वेरी सिंपल हाँ यूनिट मेथड से भी कर सकते हो दोस्तों गिवन दैट ऑफ सिस्टम इज़ ऑलरेडी ऑलरेडी फुल, मतलब इसमें लीटर पानी है बीस लीटर ऑलरेडी भरा हुआ है तो हमें कितना भरना है एटी लीटर भरना है सो इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फुल इफ ऑल पाइप्स आर ओपन सो गाइज इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन 5 प्लस टेन माइनस फोर इतने लीटर पानी पर आर आएगा सो so 80 लीटर्स के लिए कितना टाइम लगेगा एटी बाई 11 लीटर्स so आपका कितना टाइम लगेगा इतने आर्स का टाइम लगेगा ठीक है अच्छा ये सब कुछ मिनट्स में है बाय द वे एवरीथिंग इज इन मिनट्स मिनट्स में है तो आर में मत लिखना राइट इट्स मिनट्स ठीक है राइट right. चलो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों ऐसा मत समझो कैट के अंदर हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है ऐसा नहीं होता है कैट में भी इजी क्वेश्चन होते हैं और अगर आपको वो एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज टेक माय मंडे का सेक्शनल टेस्ट क्वॉन्ट का एक सेक्शनल टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूं मंडे को तो अभी मैं स्लाइड आपको दिखाऊंगा टाइमिंग क्या है कैसे ज्वाइन करना है इट्स फ्री फॉर ऑल ठीक है सो मैं आपको बताता हूं बट उससे पहले ये क्वेश्चन कर लो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एवरी आएगा इसका आंसर दोस्तों टेप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन टेन आवर्स एंड रिस्पेक्टिवली, टेप सी एंड एम्प्टी द टैंक इन ट्वेंटी फाइव इन रेस्पेक्टिवली टैंक इज फुल आर ओपन फॉर टेन आवर्स एंड देन बोथ टेप सी एंड डी आर क्लोज एंड ए इज ओपन हाउ मच मोर टाइम डज इट टेक टू फिल द टैंक ठीक है तो क्या ये बहुत ही आसान सा हो गया आप एक टैंक का कैपेसिटी अज्यूम कर लो आप वैसे भी कर सकते हो तो यहाँ पे क्या लेंगे टेन थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टेन थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी क्या ले लेंगे थ्री हंड्रेड लीटर्स कैपेसिटी ले सकते हैं। तो ए कितना फिल करेगा कहना थर्टी लीटर्स पर आर बी कितना फिल करेगा टेन लीटर्स पर आर सी कितना एम करेगा राइट ट्वेल्व लीटर्स पर आर है ना एंड सी यहां पर कितना आ जाएगा फिफ्टीन लीटर्स पर आर करेक्ट यस तो अगर मैं टेन आवर्स के लिए गई सी एंड डी को ओपन रख दूंगा तो कहना है फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन टू सेवेंटी लीटर पानी खाली हो जाएगा थ्री हंड्रेड था उसमें से 270 खाली हो गया तो अभी आगे आपको सिर्फ पाइप ए को ओपन रखना है और आपको 270 लीटर पानी ऐड करना है तो ए एक घंटे में 30 लीटर ऐड कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा 9 आवर्स लगेगा ठीक है 9 आवर्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना इट विल टेक 9 आवर्स फॉर पाइप ए टू फिल दैट दोस 270 लीटर ऑफ वाटर ठीक है चलो टाइम so uh, क्या है जुलाई ट्वेंटी सिक्स फोर पी एम को यह टेस्ट है अगर आप फोर पी एम नहीं लिख पाए तो आप फाइव पी एम सिक्स पी एम लिख सकते हो रात को भी लिख सकते हो बट ट्राई करना कि आप सब लोग फोर पी एम को ये टेस्ट लिख रहे हो दोस्तों प्लीज टेक दिस टेस्ट ठीक है एट फोर पी एम ऑन ट्वेंटी सिक्स जुलाई राइट इट्स गोइंग टू बी ऑफ फोर्टी मिनट ड्यूरेशन गाइज इट विशन बी ट्वेंटी टू क्वेश्चन सो दिस इज लाइक कैट क्वॉन सेक्शन इट्स क्वॉन्ट सेक्शन टेस्ट ठीक है ना थोड़ा कलर ज्यादा ही वो हो गया राइट सो इट्स गोइंग टू बी क्वॉन सेक्शनल टेस्ट अब कैसे रजिस्टर करना है दोस्तों इसके लिए तो आप जब रजिस्टर करते हो तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको शार्ट एंड कोड एंटर करना पड़ेगा अच्छा दोस्तों लेट मी टेल यू आर आर प्राइजेस टू टू बी बी सम ठीक है तो जो सेकेंड रैंक थर्ड रैंक सो देर आर सम प्राइजेस टू बी वॉर्न ओके एमेजन वाउचर्स है तो आप प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करना एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक दोस्तों ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो उसमें मैंने टेस्ट का लिंक दिया हुआ है ठीक है अरे सेक्शन टेस्ट है इट्स बेस्ड ऑन फुल सिलेबस सेक्शन टेस्ट जो होता है ना दोस्तों वो हमेशा फुल सिलेबस का टेस्ट होता है तो मतलब इसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको पता नहीं हो लेकिन वही तो टेस्ट है ना आपको जो पता है जैसे आपको एरेथमेटिक पता है नंबर्स पता है तो उसके बेसिस पे आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो है ना ज्योमेट्री का कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हो क्योंकि हमने बेसिक्स ऑफ मैथ्स भी किया है तो मेरे हिसाब से सब लोगों को ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है अच्छा उसका एनालिसिस भी है सो so, एनालिसिस कब है नेक्स्ट डे 8 पीएम को उसका एनालिसिस है तो ट्यूसडे 8 बजे उसका एनालिसिस है दोस्तों ठीक है फिर इसके बाद वेडनेसडे से हमारे ज्यादा सेशन नहीं होंगे सिर्फ YouTube का एक दो सेशन रहेगा देन सीधा हमारा सेशन होगा 1 अगस्त को तो देयर विल बी अ 3 टू 4 <coughs> फोर डेज ब्रेक ठीक है बी अ टू डेज ब्रेक गाइस तो प्लीज नोट दैट थिंग चलो ट्राई फॉर दिस वन सबके लिए फ्री है वो टेस्ट तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है दोस्तों आई गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज चेक दैट ज पोस्ट ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू मेरा क्या होगा क्या मैं कर सकता हूं ये सारे कमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट करो दोस्तों कम ऑन गाइस क्या आंसर आएगा इसका द टाइमर इज ओवर चलो आंसर टाइप करो आपका चैट बॉक्स में जिसको भी ब्लर दिख रहा है ना क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा है गाइस टच योर स्क्रीन इंक्रीज योर यूट्यूब वीडियो रिजोल्यूशन फॉर एच डी क्वालिटी ठीक है ए सी सो लेट्स अंडरस्टैंड गाइज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दे आर से डैंग ट्वेंटी एंड थर्टी मिनट रिस्पेक्टिव पाइप सी कैन टेंपेसिटी तो ले लोपस ट्वेंटी ले लेते कि मिनट भरेगा बी टू लीटर पर मिनिट एंड सी कितना खाली करेगा सो सी विल एम टी फोर लीटर्स पर मिनिट फोर लीटर्स पर मिनिट अब यहां पे क्या लिखा है दे आर सक्सेसिवली ओपन तो गाइस फर्स्ट मिनट आपने ए ओपन रखा तो तीन लीटर पानी आएगा सेकंड मिनट बी रखा तो दो लीटर पानी आएगा थर्ड मिनट सी रखा तो चार लीटर खाली हो जाएगा सो गाइस आफ्टर एवरी थ्री मिनट्स कैन आई से थ्री मिनट्स में आपका वन लीटर पानी आ रहा है, है ना थ्री मिनट्स में आपका वन लीटर पानी आ रहा है दोस्तों अब ध्यान से सुनो तो आई से फिफ्टी यहां पे मैं कहूंगा सपोज राइट करेक्ट इन टू आप कर दो हमें 60 लीटर भरना है ना हमें 60 लीटर भरना है सुनो ध्यान से अभी ये जो ट्रिकी पार्ट है दोस्तों राइट right? तो मैं क्या करता हूं इससे थोड़ा कम समय ले लो दोस्तों 50 मिनट्स में मतलब 150 मिनट्स में आई वन फिफ्टी मिनट्स में 50 लीटर पानी हो जाएगा क्या ये समझ में आया दोस्तों मैंने क्यों सीधा नहीं कर दिया उसका एक रीजन है वो आपको समझ में आएगा ठीक है तो क्या 50 150 मिनट्स में हमें पता चला 50 लीटर पानी भर गया ना कहना से वन फिफ्टी फर्स्ट मिनट पे क्या हो जाएगा हमारा फिफ्टी लीटर पानी ऑलरेडी है अब उसमें वापस पाइप ए ओपन होगा फिर सेकंड वन फिफ्टी सेकेंड पे क्या हो जाएगा मिनट पे क्या हो जाएगा तो पाइप बी ओपन रहेगा वन फिफ्टी थर्ड पे फिर से यहां पे फोर लीटर कम हो जाएगा फिर तो टोटल कितना हो गया यहां पे? फिफ्टी वन लीटर हो गया करेक्ट दोस्तों हाँ सिमिलरली अभी ध्यान से सुनना राइट सिमिलरली वन मिनट पे क्या होगा वन मिनट पे 52 टू लीटर्स हो जाएगा करेक्ट हां वन फिफ्टी मिनट पे वन फिफ्टी सेवेंथ पे या वापस इसमें प्लस थ्री हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा नहीं चलेगा नहीं गाइस जस्ट अ मोमेंट हाँ 159 मिनट पे ये हमारा हो जाएगा तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है आ, चलो 156 मिनट 159 मिनट ले लो अभी सीधा तीन तीन मिनट में एक एक लीटर आएगा 53 लीटर सुनो ध्यान से फिर 162 मिनट तो क्या हो जाएगा 54 लीटर 165 मिनट क्या हो जाएगा 55 लीटर करेक्ट ओके दोस्तों अब वन मिनट पे इसमें तीन लीटर हो जाएगा एंड मिनट पे पे इस पे 58 लीटर 60 लीटर हो जाएगा यहां पे होगा ठीक है तो यह अफकोर्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं बट आपको इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि मैं ये लास्ट का जो एक साइकिल है ना चार मिनट खाली क्यों उन्हें दूंगा नहीं तो तो आप सीधा ऐसा कर लेते थ्री इंटू सिक्स मिनट्स तो so, सीधा मिनट्स कर लेते मिनट दिया भी नहीं है आंसर में, ठीक है तो आंसर आपको थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका ठीक है इतना लंबा करने की जरूरत नहीं आप थोड़े ज्यादा लिप्स ले सकते हो एंड फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो क्या ये क्लियर है दोस्तों राइट क्लियर है जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो दोस्तों आर यू ऑल क्लियर विद Yes, चलो तो इसको अगर मुझे डायरेक्टली लिखना है ना तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों राइट right, मैं ऐसे भी कर सकता हूं ये जो पांच लीटर है वो लास्ट में रख दो तो हमें कितने भरने दोस्तों हमें फिफ्टी फाइव लीटर भरने ये पांच लीटर लास्ट के लिए रख दो तो हमें फिफ्टी फाइव लीटर्स भरने फिफ्टी फाइव लीटर भरने के लिए वन सिक्सटी फाइव होगा एंड और पांच मिनट पांच लीटर के लिए दो मिनट तो टोटल आपका हो जाएगा 167 लीटर, सेवन लीटर सॉरी 167 सिक्सटी सेवन मिनट आर दिस पॉइंट आप ऐसे भी सोच सकते हो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गलती करते हैं सो प्लीज बी केयरफुल चलो, लेट्स ट्राई फॉर दिस Two pipes individually fill the tank in 14 hours and 16 hours, respectively. The pipes are open simultaneously, but by mistake, the outlet pipe at the bottom of the tank was also open. Due to this, it took 32 extra minutes for the tank to be filled up. Considering the, that the tank is full, right? How much time in hours? With the outlet pipe tape to completely empty a tank double the size, double the size. Huh. Guys kya guys ka? टू ट्वेंटी फोर लेट्स टू ट्वेंटी फोर चलो नब लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इसका एक शॉर्टकट है दोस्तों दॉर्टकट ठीक है शॉर्टकट क्या है तो मुझे बताओगे दोस्तों के इन थर्टी टू मिनट्स इन थर्टी टू मिनट्स ए एन बी किता फिल करेंगे एंड बी कितना टैंक को फिल करेंगे बताओगे फ्रैक्शन टैंक विल बी फिल्ड ए एंड बी इन थर्टी टू मिनट्स आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पे 32 मिनट्स मतलब दो, टू बाई सिक्सटी आर कर दो थर्टी टू बाई सिक्स बी 16 अपॉन थर्टी इतने में टैंक को भरते हैं

है ना ओके दोस्तों सो कैन आई से यस हां ये पाइप जो है ना गाइस ये थर्टी टू मिनट्स में ये ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया इसका एक शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको सो so, यहां पे न, क्या कर रहा था मैं फिर से फिर से करते हैं। ये हमें मिल गया वन बाई थर्टी टू बाई सिक्सटी में वो वन फोर्टीन द टैंक भरेंगे राइट ओके okay. हाँ नहीं नहीं वैसे नहीं एक सेकंड सुनो तो सही गाइस करेक्ट हम्म कुछ तो हमने गड़बड़ी करी है यहां पे गाइज एक सेकेंड ना नहीं यहां पे कुछ तो कुछ तो गलत हुआ है 32 क्या हुआ है ये क्योंकि हम क्या खा गए ये तो उससे कम ही आना चाहिए बेसिकली 16 टू 32 तो कम ही आंसर आना चाहिए ना सो so, ये मैं फिर से करता हूं 32 अपॉन 14 into 16 into 32 बाय 60 ये कितना आएगा इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है दोस्तों सो so ये आ जाएगा हा नहीं नहीं डबल साइज बाद में करते हैं दोस्तों देखो मैं एक सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लॉस्ट बट एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं कि जितना काम ए एंड बी सी ए एंड बी अकेले अगर एक्स आवर्स में पूरा टैंक भरते फुल टैंक ठीक है तो गाइस ए एंड बी एंड सी को कितना टाइम लग रहा है एक्स आवर्स प्लस थर्टी टू मिनट्स लग रहा है क्या ये समझ में आया दोस्तों ध्यान से सुनो जितना काम ए और बी पूरा एक्स आवर्स में मतलब एक्स आवर्स में वो फुल टैंक कर रहे हैं तो अगर आउटलेट पाइप ओपन रखा तो वो थर्टी टू मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा है yes no? तो कहना है से ए एंड बी जितना काम थर्टी टू मिनट्स में कर रहे हैं, सी जो है आउटलेट पाइप वो उतना ही काम पूरा टाइम चल के करा एक्स एक्सर्स प्लस थर्टी टू मिनट्स में किया ठीक है ना ए एंड बी जितना काम थर्टी टू मिनट्स में कर रहे हैं तो ये एक्स आर्स एंड थर्टी टू मिनट्स में कर रहा है अब ये x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं तो हमें दिया हुआ है x इज नथिंग बट 14 निक्लसटीन ऐसे लिख सकते हैं है ना तो यहां पर अपॉन फोर्टीन प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी टू इतने मिनट में कर रहा है, है, है तो गाइज ए एन बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं ध्यान से सुनो ये शॉर्टकट है एक्चुअली ए एन बी जस्ट सेकेंड ठीक है

फोर फोर एट मिनट्स तो जितना काम ये थर्टी टू मिनट्स में कर रहे ये फोर फोर एट मिनट्स में कर रहा है ठीक है तो गाइज ये कितना टाइम लग रहा है उसको कितना गुना टाइम लग रहा है है ना तो आप ये ऐसे निकाल सकते हो तो यहां पे कितना टाइम लगेगा वो आपको निकाल रहा है सो इट विल बी वन वन टू बाई फिफ्टीन इन टू फोर फोर एट डिवाइड बाई थर्टी टू एंड फाइनली करना होगा क्योंकि डबल साइज का टेंट है दिस विल बी योर आंसर आंसर आएगा देखो कितना इट शुड गेट यू द आंसर ठीक है पर ये नीचे 15 रह जा रहा है ना हमारा ठीक है नहीं समझ में आया चलो गाइज एनी सो मच टाइम इतना टाइम की जरूरत नहीं थी ये शॉर्टकट के चक्कर में शायद शॉर्टकट समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहां पे मैं सिंपल तरीके से इसको कर देता हूं अब ध्यान से सुनो गाइज इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं एवरीवन हाँ चलो गाइस यहां पे कैपेसिटी ले लो एक ऐसा नंबर जो इसका एलसीएम है एलसीएम मेथड से कर लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 112 लीटर आ जाएगा 112 आ जाएगा सो अज्यूम दिस वन इज 112 लीटर ठीक है सो so ए एक घंटे में कितना भरेगा तो 14 8 112 8 लीटर बी एक घंटे में कितना भरेगा तो 16 7 है ना तो ये 7 लीटर पर आर एंड द पाइप्स आर ओपन बट बाय मिस्टेक आउटलेट पाइप एट द बॉटम ऑफ द टैंक वाज आल्सो ओपन एंड ड्यू टू दिस इट took 32 एक्स्ट्रा मिनट्स सपोज ये एक्स लीटर पर आर खाली कर रहा है ऐसे समझ लो ये एक्स लीटर पर आर खाली कर रहा है दोस्तों ठीक है यस yes. तो खाली कर रहा है तो इसको नेगेटिव ले लो अब हमें क्या कहा है कि अगर ये दोनों साथ में चलते हैं तो जो टाइम लगता है उससे थर्टी टू मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो कहना टू मिनट्स में ये समझो थर्टी टू मिनट्स में गाइस ए ए एंड एंड बी कितना भर रहा है तो थर्टी टू मिनट्स में आपका कितना भरेगा तो इट विल बी फिफ्टीन इन टू थर्टी टू बाई सिक्सटी कहना से इतना लीटर पानी भरेगा मतलब कितना आ जाएगा ये एट लीटर भरेगा So, मतलब 32 मिनट्स में 32 मिनट्स में आप कह सकते हो सी ये 8 लीटर खाली कर रहा है 32 मिनट्स में सी 8 लीटर खाली कर रहा है करेक्ट नहीं 32 टू मिनट्स नहीं सॉरी द होल टाइम यहां पे कितना आ जाएगा आपका फोर्टीन फोर्टीन इंटू सिक्सटीन बाई फोर्टीन प्लस सिक्सटीन प्लस थर्टी टू इतने टाइम में सी ए डेटा खाली कर रहा है ये आएगा दोस्तों आपको ऐसे करना पड़ेगा ठीक है टोटल आर प्लस थर्टी टू एग्जैक्टली आपको टोटल आर प्लस थर्टी टू करना है सो ये हमारा टोटल आर है टोटल आर है दोस्तों ठीक है तो गाइज ये कितना आ जाएगा? इसको मैं कर देता हूं यहां आपका आ जाएगा 32 by 60 मतलब 16 by 30, ऐसा आ जाएगा करेक्ट सो गाइज अगर हम सिक्सटीन कॉमन फैक्टर ले ले तो ये आ जाएगा ये टोटल तो जो आएगा ना वो कितना आएगा बताए This will be, हाँ, 15 हाफटीन इंटू सिक्स ऐसा आ जाएगा मतलब वो एट आर्स में आठ लीटर खाली कर रहा है एट आर्स में वो आठ लीटर खाली कर रहा है तो 112 लीटर खाली करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ठीक है एक सौ 112 घंटे लगेंगे 112 लीटर खाली करने के लिए उसको 112 घंटे लगेंगे तो डबल टाइम लगेगा आपका 224 आएगा ठीक है अब जिन लोगों ने यहां पे पेशेंस रखा है उनको मैं यही कॉन्सेप्ट एक सिंपल तरीके से बताता हूं दोस्तों ध्यान से समझो ये क्यों मैं ये मेथड आपको बताना चाह रहा था बट ऑफकोर्स दो पाइप आ गए ना तो ये कॉम्प्लीकेटेड कौन, हो गया दोस्तों सपोज पाइप ए है वो एक टैंक को दोस्तों ऐसे समझ लो पाइप ए जो है वो एक टैंक को नौ घंटे में भरती है या आठ घंटे में भरती है ठीक है? Pipe a है, वो पूरे टैंक को आठ घंटे में भरती है बट देर इज अगर ए और लिक लिक भी ओपन है तो दस घंटे लग रहे हैं। तो कि दो घंटे यहां पे एक्स्ट्रा लगे टू आवर्स एक्स्ट्रा लगा दोस्तों So, ये टू आर्स एक्स्ट्रा में ए जितना भरेगा ए जितना फिल करेगा कहना से उतना ही लिख खाली करेगा राइट right? ये दो एक्स्ट्रा आर्स में गाइस ए दो घंटे में जितना फिल कर रहा है उतना पूरा लिख दस घंटे में खाली कर रहा है ए दो घंटे में जितना फिल कर रहा है उतना ही लिख दस घंटे में खाली कर रहा है राइट right? तो कैन आई से आठ घंटे में जितना फिल करेगा वो लिक चालीस घंटे में खाली करेगा सो so लिक को यहां पर चालीस घंटे लगेंगे आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी फोर्टी आप डायरेक्टली कर सकते हो समझो ये क्वेश्चन को क्या ये समझ में आया दोस्तों This was the point. But अगर दो पाइप है तो पता है प्रॉब्लम क्या हो गया और उसमें भी बहुत ही ऑकवर्ड नंबर तो लिखना पड़ रहा है फिर पे दो घंटे वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली बट उन्होंने नंबर्स ऐसे दिए कि अल्टीमेटली वो कैंसल ऑफ हो जा रहा है तो नाउ है so

नंबर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे और कैलकुलेटर तो हम यूज नहीं कर रहे अगर कैलकुलेटर यूज कर लेते तो शायद थोड़ा सा जल्दी हमें समझ में आ जाता कि अच्छा ये नंबर्स उन्होंने ऐसे दिए हैं जो मैच हो जा रहे हैं फाइनली इट इज गेटिंग इन टू फ्रैक्शन एनी ट्राई फॉर दिस इट टू टोटल फोर्टी ईयर्स टू फिल टैंक गाइस टोटल फोर्टी ईयर्स लगा है मतलब टी इक्वल टू फोर्टी ठीक है नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल डज नॉट चेंज एट टीवल टू अब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन ही है ट्राई करो एक बार बाय ज्वाइनिंग प्लस अ नॉन यूजर इफ यू वॉन्ट टू गेट यूर डाउट्स एड्रेस्ड ज्वाइन प्लस बाकी तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो यू कैन पोस्ट योर क्वाज ऑन इन द ग्रुप एंड डिस्कस विद अदर स्टूडेंट्स वैल्यूज लेके कर लो दोस्तों वैल्यूज लेके कर लो सपोज लिक जो है वो एक्स लीटर पर आर खाली कर रहा है एम टी एक्स लीटर पर आर और यहां पे हम कैपेसिटी ले, ले लेते हैं दोस्तों ठीक है कैपेसिटी ले, ले लेते हैं थर्टी लीटर्स या फिर वन ट्वेंटी लीटर्स जो भी लेना है ले सकते हो ठीक है ना तो गाइज ए कितना फिल कर रहा है कहना से वन लीटर पर आर पॉर कर रहा है यू ऑल अग्री विद दिस 1 लीटर पर आर पोर कर रहा है अब देखो फाइनली आपका टैंक कितने घंटे में भरा है 40 घंटे में टैंक भरा है तो कैन आई से 40 घंटे में ए कितना डालेगा 40 लीटर डालेगा एंड ध्यान से सुनो दिस स्टेप वाज ओपन एट टाइम 0 एंड टाइम टी इक्वल टू 5 मतलब सपोज 0 0 आवर पे आपने पाइप ये ओपन किया फिर 5 घंटे बाद ये लीक ओपन हो गया एंड लीक कितना खाली कर रहा है एक्स लीटर और वो दस घंटे तक ओपन रहा मतलब पांच से दस पांच घंटे तक ओपन रहा तो से पहले आपका खाली खाली करेगा, एक्स खाली करेगा, फिर आगे डबल हो गया उसका क्रॉस सेक्शन तो और फाइव के लिए चला और फिर और 30 के लिए, कितना किया होगा तो अब उसका टू एक्स हो जाएगा तो कहना तो ये x की जगह पे 2x हो गया 2x एक्स पर आर हो गया तो 2, 30 years में कितना खाली करेगा इतना तो मुझे क्या पता चलेगा 65x फाइव एक्स इज इक्वल टू टेन लीटर्स ये सोनो तो x क्या आ जाएगा 10 बाई सिक्सटी लीटर्स मतलब लिक जो है ना पर आर 10 बाई लीटर खाली कर रहा है लीटर पर क्या क्या ये समझ में आया सबको? अब हमें पूछा है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल नॉट चेंज अगर क्रॉस सेक्शन चेंज ना होता तो क्या होता तो सपोज हम अज्यूम करते कि में फिल हो जाता है इट टेक्स टी आर्स तो से आपका ये जो है वो पाइप ए टी लीटर पानी डालेगा और uh, लीटर खाली हो रहा है और टोटल हमें कितना लीटर पानी चाहिए थर्टी लीटर पानी चाहिए इसको सोल्व करना है आपको यू जस्ट इंटू this दिस एंड will गेट वैल्यू ऑफ टी कैन यू प्लीज solve दिस इक्वेशन गाइस चलो ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों so यहां पे लिख देते हैं टी माइनस टी माइनस फाइव इंटू टेन बाई सिक्सटी फाइव इज इक्वल टू थर्टी करेक्ट तो पहले तो सिक्सटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो सिक्सटी फाइव टी माइनस टी माइनस फाइव इंटू टेन इज इक्वल टू थर्टी इंटू सिक्सटी फाइव ठीक है तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा टेन टी तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव टी प्लस फिफ्टी टू थर्टी फाइव फाइव जीरो आ जाएगा टू थाउजेंड तो जाएगा फिफ्टी फाइव दैट इज यू कैन से फोर हंड्रेड बाई इलेवन कितना टाइम लगेगा ये कितना आ जाएगा चेक करो अभी ठीक है ये क्या कर रहे हो करेक्ट थ्री माइनस करना था दोस्तों ये माइनस होगा ना हमने ऐड कर दिया या सो so ये आपका आ जाएगा इलेवन थ्री झा थर्टी थ्री इलेवन फोर जा फोर्टी फोर सिक्स बाई इलेवन दिन डी क्या चमका ये दोस्तों ये चमका चलो यार वी नीड वन मोर लाइक जल्दी से हिट कौन करेगा जिसे भी नहीं किया है जल्दी से करो बाकी लोग लेफ्ट पॉकेट से कर लो जल्दी से हिट मैक्सिमम लाइक्स ठीक है और ऐसे प्रॉब्लम और सॉल्व करने हैं दोस्तों ये होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं सो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन वन ठीक है पोस्ट इन कमेंट सेक्शन पोस्ट आंसर इन कमेंट्स ठीक है चलो मैं रिप्लाई करूंगा सारे कमेंट्स का सो प्लीज पोस्ट इट इट गाइस तो आपको ऐसे और क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं तो ज्वाइन माय प्लस बैच कल लास्ट डे है ये ऑफर का जिसमें आपको 20 परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है सो यूज कोड एंड एंड क्विकली गाइस यू विल रिक्वायर्ड प्लीज इट फॉर मंथ्स और नाइन मंथ्स डोंट जस्ट थिंक कैट तो चार महीने पांच महीने में है ऐसे मत सोचो यू विल रिक्वायर्ड प्रिपरेशन टिल योर जी डी पी ओवर ठीक है सो गो फॉर सिक्स मंथ्स एंड या दिस आर द प्राइसिंग प्लान शार्ट एन से आपको ट्वेंटी डिस्काउंट मिलेगा कल तक कल तक ये ऑफर है फिर नहीं आएगा की so हम मिलेंगे आठ बजे आपके दूसरे कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डाल देना वीडियोज के बाद में एंड आई अड्रेस इट वंस आई गेट फ्री टैच्स इट गाइस बस